नमस्ते दोस्तों, मेरा जारी है, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरु जी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 111वीं शिक्षा परीक्षा के शेड्यूल की वो एक्टिविटीज़ जो कैंडिडेट्स और डिपार्टमेंट के द्वारा की जानी थी, उनकी तारीखें अब जा चुकी हैं, यानी उन एक्टिविटीज़ के कोई भी काम अब आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब डीजीटी ने आपके लिए क्या क्या कार्रवाई कर रहा है उस बारे भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपने पुराना शेड्यूल तो देखा ही होगा, जिस शेड्यूल में आपके 111वीं शिक्षा परीक्षा की एक्टिविटीज़ की सारी चीज़ें दी गई थी। तो अभी हम उस शेड्यूल को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये वो शेड्यूल है जो 111वीं शिक्षा परीक्षा के लिए डीजीटी के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों, अभी हम एक ऐसे शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी उस शेड्यूल को हम देखने वाले हैं जिसमें डीजीटी के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई भी शामिल हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो टेंटेटिव एक्टिविटी शेड्यूल है जो डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों, यह शेड्यूल आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह ईमेल के द्वारा भेजा गया है। दोस्तों, इस शेड्यूल में सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 5 तक की कार्रवाई आप कर चुके हैं, यानी ये एक्टिविटीज़ अब पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि इसमें प्रोफाइल व्यू एंड कुरेक्शन का प्रोसेस था, सेशनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाने का प्रोसेस था, इसके साथ साथ ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। तो इस तरीके से 1 से लेकर 5 तक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पोर्टल पर पूरी हो चुकी हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं छठी एक्टिविटी की तरफ। तो छठी एक्टिविटी है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन बैंक्स। दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं और यह कार्य निम्मी के द्वारा किया जाना है। दोस्तों, निम्मी यानी नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ये डीजीटी के द्वारा ही संचालित है और यहाँ पर आपके क्वेश्चन बैंक्स तैयार किए जाते हैं। और निम्मी द्वारा यह कार्य 1 सितंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 तक होने वाला है, यानी पूरे 111 दिन इस कार्य के लिए निम्मी को दिए गए हैं। यानी अभी निम्मी के द्वारा आपके क्वेश्चन बैंक्स तैयार किए जा रहे हैं। और दोस्तों, उसके पश्चात बारी आती है सातवीं एक्टिविटी की, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स का जिक्र किया गया है। पहली एक्टिविटी में निम्मी के द्वारा आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाएगा और दूसरी एक्टिविटी में उस क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन पेपर्स के लिए क्वेश्चन उठाए जाएंगे और यह कार्य NSEIT के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, NSEIT एक फर्म है जिसको डीजीटी ने हायर किया हुआ है और ये आपके एग्जाम संबंधित कार्य देखेगी। तो यह कार्य भी 15 सितंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 के बीच में होने वाला है। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो NSEIT के द्वारा 15 सितंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 तक तैयार किए जाने हैं और इसके लिए पूरे 97 दिन का समय इस संस्था को दिया गया है। और दोस्तों, उसके पश्चात बारी आती है आठवीं एक्टिविटी की और ये है एग्जाम सेंटर मैपिंग की। तो यह कार्य भी NSEIT के द्वारा किया जाना है और 20 नवंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग है वो हो जानी है। दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग का मतलब है आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करना। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय बहुत से कैंडिडेट के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट लोकेशन सेलेक्ट की गई थी और बहुत से कैंडिडेट के द्वारा होम लोकेशन सेलेक्ट की गई थी। तो उसी लोकेशन के हिसाब से जो आपके सेंटर हैं वो अलॉट किए जाएंगे और यह कार्य NSEIT के द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों, अभी बारी आती है हॉल टिकट जनरेशन की। तो दोस्तों, यह कार्य IBM के द्वारा किया जाएगा और यह कार्य 5 दिसंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 के बीच में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 दिसंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक आपके जो हॉल टिकट हैं वो IBM के द्वारा रेडी कर दिए जाएंगे, लेकिन इन तारीखों में ये हॉल टिकट आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और आप तक ये पहुंचेंगे 10वीं एक्टिविटी में, यानी हॉल टिकट डाउनलोड में। तो हॉल टिकट कैंडिडेट्स के द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे और यह कार्य 10 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 के बीच में होने वाला है।
और दोस्तों उसके पश्चात बारी आती है ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम की। तो यह कार्य NSEIT और DGT के द्वारा सामूहिक रूप से करवाया जाएगा और इस कार्य की जो तारीख है वो है 27 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 की, यानी पूरे 4 दिन। तो दोस्तों ये था आपका पूरा डिटेल्ड टेंटेटिव एक्टिविटी शेड्यूल जो कि DGT के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों मैंने यही सोचा क्यों ना इस शेड्यूल को आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यावर्त।